औरंगाबाद के देव प्रखंड मुख्यालय में किसानों को नकली खाद से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कर्माडीह के किसानों ने नकली खाद से हुए नुकसान पर जमकर हंगामा किया है। देव प्रखंड के कर्माडीह के कुछ किसानों ने बताया कि उन्होंने हिमांशु सीमेंट स्टोर से खाद्य खरीदा था। पीड़ित किसान का कहना है कि खाद डालने से फसल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। किसान ने बताया कि डीएपी खाद की बोरी में भारी मात्रा में कंकड़, पत्थर और बालू निकला है। कौन जगह है ये? कर्माडीह। अच्छा, तो क्या है, आप क्या हुआ? तो सर, हम लोग खाद डाले खेत में तो तनको फायदे नहीं किया, एक तो हरियाली नहीं लाया। तो हम लोग खाद को जांचे, देखे तो खाद के बिना पूरा आंकड़ पत्थर में 60% में आंकड़ निकल रहा। अच्छा, तो हम लोग सर कर्जा महाजन लेके समूह से पैसा ले लेके जैसे तैसे कर करके खाद लिए। किसान आदमी हम लोग जितना सौ पट्टा यहाँ कर्माडीह धान खाद लिया, सबको यही मनोहाथी हुआ, नुकसान हुआ। और हम लोग किसान आदमी एकदम खड़े मर गए सर, हम लोग को खेती एकदम चौपट हो गया। हम लोग को भुगतान क्या करेगा सर गरीब आदमी? तो आप यहाँ के जिससे आप खाद लिए थे, जिस दुकानदार से, तो उनको आप सूचना दिए? सूचना दी है तो ये सर हम लोग को आठ रहे हैं कि जाइए कंपनी से बात कीजिए। तो ऐसे यहाँ पे कृषि पदाधिकारी भी आए हुए हैं जी, तो क्या वो क्या कह रहे हैं? वो भी तो जांचे सर, नमूना वमूना लिए हैं, कह रहे हैं कि हम लोग लैब में भेज रहे हैं, ऐसे भेज रहे हैं, वैसे भेज रहे हैं, पहना लैब से जांच होके आएगा, का होगा का ना होगा, तब लग सर हम लोग को सब धान चौपट। तो क्या कहेंगे आप? हम लोग कहना कि हम लोग को जो नुकसान हुआ है उसको भुगतान होना चाहिए, उनको जो काला बाजारी कर रहा है उनको दुकान सील होना चाहिए, जितना दुकान है उसको कोई गोदाम रख ले। गोदाम है उनको देव में 10 को दुकान गोदाम है, कचनपुर तो देव में 5 को 6 को, तो सब में सब काला बाजारी करता है इधर से उधर उधर से इधर। हम लोग गरीब आदमी मर गए सर एकदम ऐसे ही। वहीं पीड़ित किसान का कहना है कि लवली खाद भंडार ने नकली खाद बेचकर भारी नुकसान पहुंचाया है। पीड़ित किसान ने कहा कि खाद का कारोबारी काला बाजारी करने में महारत हासिल कर चुका है। उन्होंने खाद कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है? संजय यादव नाम है। मामला क्या है? मामला खाद में मिलावट का है। क्या मिलावट था खाद? उसमें हम लोग खाद दे रहे हैं तो उसमें 75% निकल रहा है आंकड़, पत्थर जो पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा। कौन सा खाद था? खाद का बोरा इंडोरामा का था, 1428। कहाँ से लिए थे? इनको संजय पांडे जी के यहाँ से लिए थे। अच्छा, कहाँ पे दुकान है ये? दुकान बिजली ऑफिस के पास है, धर्मकांटा के पास देव। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि खाद आप लोग? हम लोग सर खाद अच्छा मिल जाए, खाद वापस करें। यहाँ पे कृषि पदाधिकारी भी आए, कार्रवाई होना चाहिए। कृषि पदाधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं, उन लोग उनसे बात किए आप लोग? हाँ, बात किए हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, लैब में भेज रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, कृषि का समय खत्म हो जाएगा, हम लोग तो मर जाएंगे इसी तरह। कोई कर्जा लेकर के लिए हैं हम लोग खाद, कोई शुद्ध पे लिए हैं, कोई समूह से लिए हैं, देख लीजिए। वहीं देव के प्रखंड कृषि पदाधिकारी कृष्णदेव चौधरी ने किसानों की शिकायत को जायज बताया है। उन्होंने कहा कि दुकान को सील कर दिया गया है और खाद का सैंपल लेकर लैब को भेजा जा रहा है। चौधरी ने कहा कि लैब की रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। मैं कृष्णदेव चौधरी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी देव। मुझे कर्माडीह के किसान से सूचना मिली कि संजय पांडे एक खाद दुकानदार है, उसके यहाँ से खाद हम ले गए हैं 1428, इसमें कंकड़ पत्थर मिला हुआ। तो हमने आया, हमने खाद भी देखा, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कंकड़ पत्थर है, लेकिन इसके लिए हमने नमूना लिया है और उस नमूना को जांच प्रयोगशाला में भेज रहे हैं। तत्काल इनका दुकान सील कर दिया गया है, नमूना आने के बाद में कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी इनका दुकान का कोई रिकॉर्ड वगैरह सही संधारित नहीं है, इसके विरुद्ध में हम स्वयं कार्रवाई करने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी को लिखा है। एक और आरोप लगा रहे हैं सर, यहाँ जो किसान हैं उनका कहना है कि दुकान का एक लाइसेंस है, इसके बावजूद भी 10 दुकान में खाद बिक्री। उसके लिए हम किसान से एक आवेदन मांगे हैं, एक आवेदन लिख के दीजिए कि फलना फलना जगह इनका और दुकान है, तो हम साथ में चलेंगे और उसको जांच करें। किसान का ये भी कहना है सर कि मान लिया जाए कि 2.5 महीने के बाद लैब से जांच होके आएगा और इसके बाद फिर हम लोगों को बताया जाएगा, तो अभी हम लोग क्या करें? कोई तो सरकारी प्रक्रिया है, नियमानुसार जो है वो तो करना ही ना होगा। डायरेक्ट हम लोग कैसे कह दें कि मैंने
लीख के दे दीजिए ना, प्रयोगशाला मिलना चाहिए, प्रयोगशाला बतावेगा, खेती बाड़ी वहाँ से जांच होके आवेगा, उसके बाद कार्रवाई होगा। लेकिन कार्रवाई इसके बाद भी होगा, क्योंकि इनका जो पंजी संधारित किए हैं, पॉस मशीन ठीक नहीं है, स्टॉक नहीं मिला है, स्टॉक में भी हेरा फेरी है, इस पर हम कार्रवाई के लिए स्वयं लिखें। नकली खाद की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, इसलिए प्रशासन को खाद कारोबारी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए औरंगाबाद से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट।